नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी साथे गायत्री महामंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आज का चैप्टर है कमियां नजर अंदाज करे। एक बार की बात है कि राज्य में एक राजा था जिसकी केवल एक टांग और एक आंख थी। उस राज्य में सभी लोग खुशहाल थे क्योंकि राजा बहुत बुद्धिमान और प्रतापी था। एक बार राजा के विचार आया कि क्यों न खुद की एक तस्वीर बनाई जाए। फिर किया था, देश विदेश के चित्रकार को बुलाया गया और एक से एक बड़े चित्रकार राजा के दरबार में आए। राजा ने उन सभी से आठ जोड़कर आग्रह किया कि वो उसकी एक बहुत सुंदर तस्वीर बनाए जो राजमहल में लगाई जाएगी। सारे चित्रकार सोचने लगे कि राजा जो पहले से ही विकलांग है, फिर उसकी तस्वीर को बहुत सुंदर कैसे बनाया जा सकता है, यह तो संभव ही नहीं है। और अगर तस्वीर सुंदर नहीं बनी तो राजा गुस्से होकर दंड देगा। यही सोचकर सारे चित्रकारों ने राजा की तस्वीर बनाने से मना कर दिया। तभी पीछे से एक चित्रकार ने अपना हाथ खड़ा किया और बोला कि मैं आपकी बहुत सुंदर तस्वीर बनाऊंगा जो आपको जरूर पसंद आएगी। फिर चित्रकार जल्दी से राजा की आज्ञा लेकर तस्वीर बनाने में जुट गया। काफी देर बाद उसने एक तस्वीर तैयार की। उसे देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और सारे चित्रकारों ने अपने दाता के तले उंगली दबा दी। इस चित्रकार ने एक ऐसी तस्वीर बनाई जिसमें राजा एक टांग को मोड़कर जमीन में बैठा है और एक आंख बंद करके अपने शिकार पर निशाना लगाया रहा है। राजा ये देखकर बहुत प्रसन्न हुआ कि उस चित्रकार ने राजा के कमजोरियों को छिपा कर कितनी चतुराई से एक सुंदर तस्वीर बनाई है। राजा ने उससे खूब इनाम दिया। तो मित्रों, क्यों ना हम भी दूसरों की कमियों को छुपाए, इस नजरअंदाज करें और अच्छाइयों पर ध्यान दें। आजकल देखो जाता है कि लोग एक दूसरे की कमियां बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं। चाहे हम में खुद में कितनी भी बुराइयां हो, लेकिन हम हमेशा दूसरों की बुराइयां पर ही ध्यान देते हैं कि अमुक आदमी ऐसा है, वो वैसा है। सोचिए, अगर हम भी पर उस चित्र की तरह दूसरों की कमियों पर पदार्थ डाले, उन्हें अंदाज करे, तो धीरे धीरे सारी दुनिया में बुराइयों ही खत्म हो जाएगी और हर हर जाएगी सिर्फ अच्छाई। इस कहानियां से ये भी शिक्षा मिलती है कि जैसा हमें नकारात्मक परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोचना चाहिए और किस तरह हमारी सकारात्मक सोच हमारी समस्याओं को हल करती है। आज का दिन मंगलमय हो, मंगलमय हो, मंगलमय। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय।